तो आज हम देख रहे हैं शेफ्स के अंदर मजीद कुछ कमांड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने ये देखा था शेफ्स कैसे बनते हैं, वट एवर कोई भी शेप कैसे बनते हैं, फिर शेप की डुप्लीकेट करना सीखी थी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके, फिर हमने बताया था शेप के अंदर कलर कैसे भर सकते हैं, फिर आपको बताया था कि शेप को रैप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। आज हम मज़ीद ऑप्शन के बारे में समझेंगे कि दो या दो से शेप्स को मिला के ग्रुप कैसे करते हैं। तो उसको ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लिया। लेट सपोज़ हमने यहाँ पर जो है ये तीन शेप कर लिए। अब इन तीन शेप्स को अलग अलग मूव करना तो मुश्किल था, लेकिन मैं इन तीनों को ग्रुप करके एक साथ मूव कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्लिक किया यहाँ पर, शिफ्ट का बटन होल्ड किया, फिर क्लिक किया यहाँ पर, शिफ्ट का बटन होल्ड रखा, फिर यहाँ क्लिक किया। तो तीसरा शेप सेलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, दोबारा क्लिक करता हूँ। चलें पहले इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ से ग्रुप किया तो ये तीनों शेप देखें मिलके एक ग्रुप बन गए। हाँ, मतलब ऑप्शन ग्रुप का इस तरह हमने यूज़ किया, इसका फ़ायदा ये हो कि अब तीनों शेप्स को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे, इनके रीशेप साइज़ वगैरह को इसे चेंज कर सकेंगे और पकड़ के इस तरह से कहीं भी इनको मूव कर सकेंगे। इसका डुप्लीकेट करेंगे तो कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लें, और अगर इसको दोबारा से अलग करना है तो यहाँ से जाके इनको अनग्रुप कर दें, फिर से ये तीनों अलग अलग आपको नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि शेप्स को हमने जैसे इस तरह से कुछ ऑर्डर में रखा लेकिन एक तरतीब में नहीं थे, और तरतीब में करने के लिए शिफ्ट के साथ हमने तीनों शेप्स को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए यहाँ शेप फॉर्मेट में, और यहाँ से क्लिक करके हमने क्लिक किया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन मिडल। जैसे अलाइन टॉप किया तो ये देखें ये ऊपर की तरफ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अंडू। और अगर मैं इसको अलाइन बॉटम करूँगा तो ये नीचे की तरफ अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अंडू। और अगर मैं करूँगा अलाइन सेंटर तो ये सेंटर वाले के मुताबिक तीनों के तीनों अलाइन हो जाएंगे, अलाइन मिडल। ठीक है, सिमिलरली अब तीनों शेप्स या इससे ज़्यादा तीन से ज़्यादा शेप्स अगर इस तरह से ऑर्डर में रखे हुए हैं, अब उसके बाद उनका बीच का गेप जो है वो बैलेंस नहीं है, सपोज़ टू बी अगर वो बैलेंस में नहीं आ रहा है तो उसको हमने उठा के ऐसे रख लिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने इन तीनों शेप्स को हमने शिफ्ट को होल्ड करना है, फिर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर जैसे हमने इसको अलाइन टॉप किया है, उसके बाद हम इसको कहते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जब ये अलाइन टॉप की कमांड इसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इनके बीच के गैप को भी ये इक्वल इक्वल चारों में डिवाइड कर देगा, और इस तरह से ये सारे अरेंज हो जाएंगे एक ऑर्डर में। सेम कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन शेप्स के ऊपर अगर हम शेप्स को वर्टिकल ऑर्डर में प्लेस करते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ से एक शेप लिया और इस शेप को ऐसे बनाया, कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट लिया उसको यहाँ रख लिया, कंट्रोल डी करके एक और लिया उसको यहाँ रख लिया, कंट्रोल डी करके इसको एक और लिया यहाँ रख लिया। अब ये चार शेप्स हैं, चारों शेप्स को अभी तक तो मैं आपको बता रहा था शिफ्ट के साथ कैसे सेलेक्ट करना है, अब एक और तरीका भी इसको सेलेक्ट करने का। होम में जाएंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरो आ जाएगा, ऐसे एरो पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जब ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्लिक करके हम जाएंगे यहाँ पर शेप फॉर्मेट पे, और यहाँ से क्लिक करके इसको हम करेंगे अलाइन लेफ्ट। ठीक है, जैसे ही अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। अंडू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके अलाइन राइट करूँगा तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह से अंडू कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं इनके स्पेस को बरकरार रखना चाहता हूँ तो पहले मैंने इनको अलाइन जैसे सेंटर कर लिया या लेफ़्ट कर लिया या राइट कर लिया, जिससे ये एक तरतीब में आ जाएंगे, और यहाँ पर जाके इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे के सारे आपस में वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फिर इस तरह से प्रॉपरली नज़र आएंगे। तो ये इनके ऑर्डर का करने का तरीका है। अब इनको हम ये भी कर सकते हैं, ग्रुप से फ़ायदा ये होगा कि ग्रुप बनाया इनका एक क्लस्टर का, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया एक और ग्रुप ले लिया, फिर कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट किया, फिर एक और ग्रुप ले लिया। इस तरह से हमें इनको ऑर्डर में करके अरेंज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह हम शेप्स को ग्रुप में और अनग्रुप करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है ऑर्डर, ऑर्डर में रखना। ऑर्डर में क्या होता है, एक शेप जब हम बनाते हैं तो दूसरा शेप जब हम बनाते हैं वो उसके आगे आ जाता है। इससे जाहिर हो रहा है ये इसके बाद बना है, ये इससे पहले बना है और इसके बाद बना है,
और इसके बाद ये वाला जो है इन सब के बाद बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर मैं इस वाले शेप को पहले वाले शेप के पीछे भेजना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो ये देखें एक एक करके तमाम शेप्स से पीछे चला गया, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक एक करके तमाम शेप्स के आगे आ गया। एक ही तरह से सबके पीछे करना है तो सेंड टू बैक, और एक ही झटके में सबसे आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करके ऐसे आगे ले आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इस वाले एंगल से पकड़ के ऐसे रोटेट कर लें, लेकिन आप इसको मज़ीद बेहतर तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। लेट सपोज़ इस शेप को मैं यहाँ पर रख के क्लिक करके रोटेट 90 डिग्री पर रोटेट कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड पे रोटेट 90 डिग्री पे कर सकता हूँ, राइट साइड पे सीधा है तो उल्टा और उल्टा है तो सीधा भी इसको कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये सिंगल कलर का इसलिए इस पर कोई फ़र्क पता नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जो है कुछ और कलर्स स्कीम्स अप्लाई कर दूँ, या बेहतर ये है कि मैं इसके अंदर कोई पिक्चर लगाऊँ, तो आपको और ईजी समझने में आसानी रहेगी। तो अब ये पिक्चर हमने इसमें लगा दी। अब मैं इस पिक्चर को अगर यहाँ जाके फ़्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, फ़्लिप वर्टिकल करता हूँ तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं शेप्स के ऊपर, ठीक है। बाकी रीसाइजिंग हम यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डायगोनली हम इसको इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके ऊपर अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास शेप फॉर्मेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारे शेप से रिलेटेड ऑप्शन थे। एक और ऑप्शन है शेप में एडिट पॉइंट का। जैसे यूजुअली हम कोई भी शेप बनाते हैं तो उसको हम इजीली या तो उसकी विड्थ को कम कर पाते हैं, हाइट को कम कर पाते हैं, इस तरह इसका ये येलो पॉइंट जो है इसको सीधा कर पाते हैं। मज़ीद एडिट करने के लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट्स का, उस पर क्लिक करके आप शेप पर क्लिक करके उसके पॉइंट्स को ईज़िली अपने हिसाब से इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये देखें उसका शेप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ से कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं, या काफ़ी सारे शेप हैं आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, यहाँ पर मग का भी शेप है, ग्लास का भी शेप है, वो आपको देखने पर मिलेगा। ये देखें जैसे ये वाला शेप है, बल्कि मैं तो ये वाला ले लिया, ये वाला शेप ज़्यादा बेहतर था, यहाँ क्लिक करके इस तरह का शेप है इसको ले लें, और इस पर भी आप एडिट पॉइंट्स लगा कर इसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। बाकी रही बात आउटलाइन की, तो आउटलाइन आप यहाँ से नौ आउटलाइन करके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर तो ये ज़ाहिर ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आउटलाइन लगाना लाजमी, ठीक है। तो ये थी शेप की कुछ कमांड, और आपको असाइनमेंट दे रहे हैं बनाने के लिए, वो बैठ के बनाएगा, और यहाँ के लिए और घर के लिए दोनों के लिए।